तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्टडी विद एमएन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे जो तो रसायन शास्त्र का पिछले साल पेपर हुआ था 2019 में, उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे और डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार का पेपर कैसे आया था और इस साल किस प्रकार का पेपर आएगा। तो 2019 का पेपर है रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का। यह कितने मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स है 70, टाइम 3 आवर्स था, टोटल 20 पेज 16 थे और टोटल क्वेश्चन 18 थे। तो इसी प्रकार इस साल का भी पेपर आएगा, क्योंकि जो एनसीईआरटी पैटर्न हो गया है तो इस प्रकार पेपर चेंज होकर आया। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार का पेपर आया था और सॉल्यूशन भी करेंगे हम, तो देख लेते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव था सीजियम क्लोराइड CaCl में यदि सीजियम आयन CH पॉजिटिव की समन्वय संख्या 8 हो तो क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव की समन्वय संख्या होगी। तो Cl नेगेटिव की समन्वय संख्या 8 होगी, यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। दूसरा था सक्रिय चारकोल में एसिटिक अम्ल की अधिशोषण प्रक्रिया में एसिटिक अम्ल है। तो जो एसिटिक अम्ल था यह क्या था, अधिशोष्य था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 था चूना पत्थर आइस को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है धातुकी में, इस प्रक्रम को कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, निष्तापन कहते हैं। जो क्या कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है उसे हम निष्तापन कहते हैं। फर्स्ट का चौथा आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। तो जो आइसोसाइनाइड होते हैं वो प्राथमिक एमीन देते हैं। नेक्स्ट है हमारे दूध में उपस्थित ड्राई सेकेराइड है तो यह लैक्टोज है। तो दोस्तों, अगर आपने इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। मैंने इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सारे बता दिए हैं, इन्हीं में से सारे ऑब्जेक्टिव बताए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो जाकर एक बार जरूर देखिए, आप प्लेलिस्ट में जाकर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2020। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है तो मैं टिक लगा देता हूँ। इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा, तो आप मिला लीजिएगा। इसका हो जाएगा रिबेट, तो आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और इसका हो जाएगा प्राथमिक एमीन। और इसका पांचवे का हो जाएगा लैक्टोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थान भरिए। तो पहला क्या है, पिघली अवस्था में सोडियम क्लोराइड के विद्युत चालक होने का कारण है। तो जो स्वतंत्र आयन होते हैं इसके कारण जो सोडियम क्लोराइड विद्युत का सुचालक है। कैल्को पायराइड धातु का आयस्क है तो है क्या, कॉपर का आयस्क है। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कॉपर का आयस्क है। तीसरा है श्वेत फास्फोरस वाष्प अवस्था में संगठन रखता है। तो जो श्वेत फास्फोरस होता है आपने P4 सुना होगा, जब हम P4 का संघटक होता है P4। नेक्स्ट है CONH3 का होल 4 Cl2 और Cl संकुल द्वारा जल में दिए गए कुल आयनों की संख्या तो है 2 है, यानी दो जल में दिए गए कुल आयनों की संख्या 2 है। और लोन में एक लगा है तो है विनाइल साइनाइड है। वेरी मोस्ट ऑब्जेक्टिव है, आपको इसकी मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कोई केमिस्ट्री की वीडियो बना दी है, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा सही जोड़ी बनाइए। तो शॉर्ट की दोष, तो शॉर्ट की दोष पाया जाता है हमारा NaCl में, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। शॉर्ट संख्या सेकंड का हो जाएगा द्विवेशनी क्लोराइड है। तीसरा है व्यंजक टूल, तीसरे का है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है व्यंजक चून CaO Cl2। प्राकृतिक रबड़, तो ब्यूना रबड़ होता है प्राकृतिक रबड़, सॉरी इसका चौथा है प्राकृतिक रबड़ होता है आइसोप्रीन का अलग होता है प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन। और पांचवा है बैकलाइड, तो बैकलाइड एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो यह हो गया हमारे जोड़ियाँ। आप नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं हम एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो चतुष्फलकीय रिक्तिका का त्रिज्या अनुपात लिखिए। तो यह कितने के बीच, 0.225 से 0.414 के बीच होता है चतुष्फलकीय रिक्तिका का त्रिज्या अनुपात। फिर आहरणीय समीकरण, तो के बराबर होता है AE - EA/RT। वेरी इंपॉर्टेंट है साल के लिए आहरणीय समीकरण। फिर निकल के सोलह नियति प्रयुक्त होने वाले प्रक्रम का नाम लिखिए। तो यह हाइड्रोजनीकरण होता है, हाइड्रोजनीकरण। आगे बढ़ते हैं। अब और देखते हैं इम्पोर्टेंट क्या दो और बचे हैं हमारे एक वाक्य में उत्तर। तो मौसम विज्ञान के परीक्षण के लिए गुब्बारे में कौन सी उत्कृष्ट गैस भरी जाती है। तो वह हीलियम उत्कृष्ट गैस भरी जाती है मौसम विज्ञान के परीक्षणों के लिए गुब्बारे में। अगर ऐसे मूल्य के गुब्बारे में कौन सी उत्कृष्ट गैस भरी जाती है तो हीलियम भरी जाती है।
पांचवा संक्रमण धातुओं के लवण सामान्यतः रंगीन होते हैं। क्यों? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी के कारण रंगीन होते हैं। तो यही थे ऑब्जेक्टिव। हम देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहाँ पर न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे गए थे पिछले साल के पेपर में, तो इस साल भी पूछे जा सकते हैं। तो न्यूमेरिकल तैयार करके रखिएगा आप, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे आप पैटर्न समझ जाएं किस प्रकार। तो प्रश्न क्रमांक 5 में दिया था, यदि नाइट्रोजन गैस N2 को 293 केल्विन पर जल में से प्राप्त किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस विलेय होगी। N2 का आंशिक दाब 0.987 बार है तथा 293 केल्विन पर N2 के लिए हेनरी स्थिरांक KH का मान 76.48 बार है। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? तो इसी प्रकार न्यूमेरिकल अथवा में भी न्यूमेरिकल ही आया था। आप सोचें कि एक न्यूमेरिकल आएगा और उसके अथवा में आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा, तो ऐसा भी नहीं हुआ था पिछले साल, दोनों न्यूमेरिकल आए थे। तो आपको न्यूमेरिकल तैयार करके जरूर जाना है। आगे बढ़ते हैं, अब आप देख लीजिए पेपर, मैं आपको पढ़कर नहीं बताऊंगा, आप देख दे जाइए। प्रश्न क्रमांक 6 अधिशोषण के संक्रम क्षमता भी क्या है? इस प्रकार 7 आया था, इसमें हमें क्या ज्ञात करना था? केंद्रीय धातु में संकरण ग्रहण करने वाले ज्यामिति को लिए करना था। IPSC नाम लिखने थे हमें। आगे बढ़ते हैं, फिर हमसे क्या पूछा गया था? निम्नलिखित पर की परिभाषा लिखनी थी, मूल प्रवाह, मूलरता, मूलरता पर, यह सिंपल क्वेश्चन आया था। फिर था अथवा में पूछा गया था फिरिक्स न्यूमेरिकल था, एक पेयजल नमूने के क्लोरोफॉर्म CaCl3 सहित अनेक अशुद्धियां पाई जाती हैं जो कि कैंसरजनक आर्सिनोजन होती हैं। इन अशुद्धियों को लेवल 15 ppm द्रव्यमान की दृष्टि से था, तो इसमें क्या था? इसे द्रव्यमान प्रतिशत में दर्शाइए। तो इस प्रकार इसे सॉल्व करना था। फिर प्रश्न क्रमांक 9 में था न्यूमेरिकल, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, तो अभिक्रिया पूर्ण करना था। फिर अथवा में भी था कारण समझाई, एनिलीन साइक्लोहेक्सिल एमीन की अपेक्षा दुर्बल चालक होता है, मैथिल एमीन के विलयन में सिल्वर क्लोराइड घुल जाता है, एल्किल हैलाइड के अमोनिया अपघटन से शुद्ध एमीन बनना कठिन है। तो इस प्रकार पिछले साल का आया था कुछ पेपर, थोड़ा टफ आया था लेकिन आपको अच्छी तरीके से करना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर 10वां था जुल आयन तथा प्रोटीन व्यक्तिकरण क्या होते हैं, DNA अंगुलन झापन का इसका महत्व क्यों है। फिर न्यूमेरिकल आया था प्रश्न क्रमांक 11 भी न्यूमेरिकल था, कोटि तथा वेग स्थिरांक ज्ञात करने थे। इसके अथवा में आया था सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि के अभिक्रय का अधिकायुकाल अभिकाय की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, तो यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न में दिया गया था। फिर हमारा 17वां पोटेशियम परमैंगनेट के अम्लीय माध्यम में कुछ 4 ऑक्सीकरण गुणों को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। प्रथम संक्रमण शैली के तत्वों के विभिन्न गुणों में परिवर्तन की विवेचना करनी है, परमाणु ऊर्जा, आयन ऊर्जा, धातु लक्षण और ऑक्सीकरण अवस्था। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। फिर 13वां एल्किल हैलाइड में नाभिकीय प्रतिस्थापन अपक्रिया कैसे होती है, इसकी क्रियाविधि समझाइए। फिर विलोपन अपक्रिया कैसे कहते हैं, इससे संबंधित शेरजाब नियम को लिख लीजिए। तो दोस्तों इन दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न शायद इस साल भी आ सकता है, तो इन दोनों प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। आप देख लीजिए इसी प्रकार पेपर आया था, एल्कोहल फिनोल में अंतर, एल्कोहल डाइथर में पहचान कैसे करेंगे, क्या होता है जबकि। तो इस प्रकार आया था आपका कुछ पेपर 2019 का केमिस्ट्री का क्लास 12th का। तो आपको इसी तरीके से तैयारी रखनी है। यहाँ पर एक और न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाए, क्लोरोस के नियम को परिभाषित कीजिए, फिर 0.025 मोल लीटर नंबर से मेथिनोइक अम्ल की चालकता 46.15 cm² मोल इनवर्स से इसकी भोजन मात्रा तथा भोजन स्थिरांक का प्रलेखन कीजिए। दिया गया है यहाँ पर एच पॉजिटिव का मान दिया गया है और लैम्डा अनंत SeCW नेगेटिव का मान दिया गया है। तो इस प्रकार कई न्यूमेरिकल पूछे गए थे पिछले साल, तो इस साल भी आ सकते हैं, तो सावधान हो जाइए, न्यूमेरिकल तैयार कर लीजिए। शैल स्थिरांक किसे कहते हैं, विष चालकता और शैल स्थिरांक के बीच क्या संबंध है, 298 केल्विन पर 1 चालकता शैल, जिसमें यह भी न्यूमेरिकल है, 0.001 है, MKCl विलयन को प्रतिरोध है कितना है 1500 में, यदि 0.001 है MKCl विलयन की चालकता 298 केल्विन पर 0.146 × 10⁻³ इनवर्स हो तो शैल स्थिरांक ज्ञात करना है इसमें। तो क्या है, बहुत सारे न्यूमेरिकल पिछले साल पूछे गए थे, तो इन न्यूमेरिकल को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में। फिर तो सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि का वर्णन करता है, निम्नलिखित बिंदुओं पर संपर्क विधि के सिद्धांत सहन के समुचित तो इसके मुख्य भाग तथा क्रियाएं। इसके अथवा में आया था अमोनियम निर्माण की अवर विधि में अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण तथा उपयोग में ला जाने वाले सहन के समुचित दीजिए। फिर तो खाद परिवर्तक के जो उदाहरण का सूत्र लिखिए, आंवला, तुलसी व नीम। तो यह आउट हो गया था पिछले साल पेपर, तो इसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिले थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा।
पिछले साल कुछ पेपर आउट भी हो गया था, इसलिए और ज़्यादा टफ बन गया था। दो पेड़ आर्य औषधियों के नाम लिखी संश्लेषित अब मादक क्या है प्रतीक का उदाहरण दीजिए। तो इस प्रकार आया था केमिस्ट्री का पेपर पिछले साल का 2019 का। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।